दोस्तों और स्वागत है आप सभी का एक और फ्रेश न्यू वीडियो में, जहां पर हम रिव्यू करने जा रहे हैं दी ऑल न्यू ऑनर 90 है। अब देखो, ऑनर कंपनी जो है लगभग 3 साल बाद वापस से दोबारा आई है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। इसके पीछे थोड़ा सा आपको कहानी बता दूं, लगभग 2019 में मई के आसपास गूगल ने बैन लगा दिया था हुआवे पे, और वहाँ पर उसके चलते उनमें गूगल के जो ऐप्स होते हैं उसका सपोर्ट आना बंद हो गया है। उसके चलते इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में भी हुआवे और ऑनर के फ़ोन्स आना बंद हो गए थे। हुआवे पे अभी भी बैन है, लेकिन ऑनर ने हुआवे से हट के एक इंडिपेंडेंट कंपनी बनाई और उसके चलते उनको गूगल से सारे सर्टिफिकेशंस और जितने भी ऐप्स होते हैं वो मिले, और उसी के चलते उन्होंने इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में दोबारा से एंटर किया है। जानेंगे इस वीडियो में कि क्या ये फ़ोन आपको कंसीडर करना चाहिए या नहीं, क्या बढ़िया इसके फीचर्स हैं, कैसा है ये ओवरऑल फ़ोन, सभी कुछ डिटेल में पता लगाएंगे इस वीडियो में। मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं इस ऑनर 90 की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर सबसे पहली चीज़, बॉक्स जो है ये इंडियन यूनिट नहीं है। इंडियन यूनिट जो आएगा वो करीब थोड़े से छोटे साइज़ के बॉक्स के साथ आएगा, क्योंकि उसमें आपको इन द बॉक्स चार्जर नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस फ़ोन का जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा हटके है। अगर मैं इस फ़ोन के डिज़ाइन को कुछ चुनिंदा शब्दों में संक्षिप्त में एक्सप्लेन करूँ तो इट्स ए हेड टर्नर, यानी कि लोग जो है इस फ़ोन को ज़रूर मुड़कर देखेंगे। और इस फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो ना ही ज़्यादा कर्व्ड है ना ही कम, यहाँ पर आपको स्वाद अनुसार कर्व डिस्प्ले मिलता है। अब कंपनी इसके डिस्प्ले को फ्लोटिंग डिस्प्ले कह रही है, जो कि एक्चुअली लगता भी है, स्क्रीन साइड से उभरी हुई है, और ये चीज इसके ओवरऑल फ्रंट के लुक को काफी प्रीमियम बनाती है। रही बात बैक पैनल की, तो वो भी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लगता है। इसका डुअल रिंग कैमरा मॉड्यूल काफी एलिगेंट लगता है, जो मार्केट से थोड़ा सा हटके है। वैसे ये फोन जो है 3 डिफरेंट कलर्स विद डिफरेंट टेक्सचर्स के साथ आते हैं। मेरे पास जो वेरिएंट है ये है एमरल्ड ग्रीन, और इसका जो बैक पैनल का जो टेक्सचर है वो आपको मैट फिनिश का मिल जाता है, और ये फिंगरप्रिंट स्मजेस बिल्कुल भी कैच नहीं करता। अगर आप बिना कवर लगा के फोन यूज करने के शौकीन है तो आपको ये चीज यहाँ पर बहुत बढ़िया लगेगी। लेकिन जो इसके बाकी 2 वेरिएंट्स हैं वो काफी ग्लॉसी बैक के साथ आते हैं, इसलिए वो फिंगरप्रिंट भी ज्यादा कैच करेंगे। नाउ बात करें इस फोन में ओवरऑल फिजिकल प्रोटेक्शन की या फिर सर्टिफिकेशन की, तो यहां पर आपको अखरोट सर्टिफिकेशन मिलता है। यहाँ पर कंपनी ने एज सच कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं लिया है, लेकिन भाई अखरोट तोड़ के इन्होंने दिखाया है। हमने भी ट्राई किया, अखरोट तोड़ा इसके डिस्प्ले से, अखरोट टूट गया लेकिन डिस्प्ले को कुछ नहीं हुआ। इसी के अलावा इस फ़ोन में आपको ना ही कोई IP रेटिंग मिलती है, यानी कि वाटर या फिर स्प्लैश रेजिस्टेंट रेटिंग आपको नहीं मिलती है। और लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि जो जैसे कि सिम कार्ड गैस्केडिंग हो गया, रबर गैस्केडिंग, वो सारी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। इसका मतलब ये है कि मोटा मोटा देखो कि कंपनी ने सर्टिफिकेशंस में थोड़े से पैसे बचाए हैं। अब ये चीज़ एक्चुअली इसके फाइनल प्राइसिंग में रिफ्लेक्ट होती है कि नहीं, वो चीज़ देखने वाली होगी। रही बात सिम कार्ड की, तो ये फ़ोन डुअल नैनो सिम कार्ड सपोर्ट करता है, और साथ ही ये eSIM भी सपोर्ट करता है, यानी कि एक फिजिकल सिम और एक eSIM। बाकी बात करें इस फ़ोन के हैप्टिक फीडबैक की, तो यहाँ पर आपको वाइब्रेशन का मोटर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको टाइपिंग के वक्त वो माइक्रो वाइब्रेशन जो होते हैं वो फील नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके पॉकेट में है ये फ़ोन, कॉल्स वगैरह आ रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे से फील हो जाते हैं। तो नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक वाइब्रेशन और मोटर आपको यहाँ पर मिल जाता है। अनलॉक मैकेनिज्म में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, साथ ही फेस अनलॉक, और दोनों ही काफ़ी फास्ट काम करते हैं, तो उसमें कोई कंप्लेंट नहीं है। बट फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर स्लाइटली थोड़ा सा नीचे की साइड में है, तो हो सकता है मसल मेमोरी में शुरू में आने में मुश्किल हो। नाउ रही बात कनेक्टिविटी एंड कॉल क्वालिटी के बारे में और कॉल रिसेप्शन वगैरह के बारे में, तो यहाँ पर इस फोन में आपको मिलता है वाईफाई 6 का सपोर्ट, वाईफाई की रेंज आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, साथ ही 14 5G बैंड्स आपको मिल जाते हैं। और रही बात कॉल क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर कॉल क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिली है इस फ़ोन में। नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी अच्छे से करता है, सामने वाले को आवाज़ भी आपकी काफ़ी क्लियर सुनाई देती है। और यहाँ पर जो डायलर मिलता है वो आपको गूगल डायलर नहीं मिलेगा, ऑनर का अपना डायलर है, और वहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही नहीं मिलता है। ये चीज़ मेरे यूनिट में ये देखने को मिली है, हो सकता है इंडियन यूनिट में इन लोगों ने कुछ चेंजेस करे हों, लेकिन एज ऑफ नाउ तो यही चीज़ है। अगर चेंजेस होंगे तो मैं जल्द ही अपडेट कर दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में, उसको पिन
भी कर दूंगा। बाकी सेंसर्स आपको इस फोन में सारे प्राइमरी सेंसर जो आते हैं वो मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग NFC। पेमेंट वगैरह करना है तो NFC के थ्रू आप कर पाएंगे। डिस्प्ले में आए तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच का क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलता है 1.5K रेजोल्यूशन के साथ विद 120Hz ऑफ रिफ्रेश रेट, और यहाँ पर आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है 1600 निट्स की। ये फोन HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ आता है और यहाँ पर आपको नेटफ्लिक्स में भी HDR10 की प्लेबैक कैपेबिलिटीज मिल जाती है। ना सिर्फ ऑन द पेपर, ये फोन ऑफ द पेपर भी काफी हट के चीजें देता है। इसका डिस्प्ले ना सिर्फ इस सेगमेंट वाले फोन से, इवन फ्लैगशिप फोन के डिस्प्ले से भी काफी कम फ्लिकर करता है। अब देखो, स्क्रीन फ्लिकरिंग जो है नॉर्मल डे टू डे यूसेज में इवन नेकेड आई से आपको नजर नहीं आती है। अगर आप इसको लंबे सेशन तक यूज कर रहे हैं इस फोन को, कंपनी का कहना यह है कि अगर आप इवन नाइट टाइम में भी इस्तेमाल करेंगे इस फोन को तो स्ट्रेन जो पड़ता है आम फोन के मुताबिक इसमें आपको काफी कम लगेगा अपने आंखों में। बाकी इसके अलावा इस फोन का जो डिस्प्ले है आपको काफी कलर एक्यूरेट लगेगा। यहाँ पर मैंने इसमें मूवीज वगैरह देखी है और जो ओवरऑल विजुअल है वो आपको कमाल के लगेंगे। इनफैक्ट अगर आप DxO Mark के क्वालिटी इवैल्यूएशन में इसका डिस्प्ले स्कोर्स देखें तो वहां पर आपको 140 तक का मिलता है, विच इज इक्विवेलेंट टू iPhone 14 Plus और Pixel 7। और ये चीज इसके डिस्प्ले को DxO Gold की मान्यता देती है। एक चीज मैंने इस फोन में नोटिस करी यहाँ पर यूज करते समय, अगर आप इस फोन में जेस्चर्स ऑन करते हैं यानी कि स्वाइप जेस्चर्स, तो जो मेन्यू वगैरह है वो स्क्रीन के काफी बॉटम पे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गैलरी में कोई फोटो पे जाकर इसको एडिट करना है तो जो मेन्यू होगा वो काफी स्क्रीन के बिल्कुल नीचे की साइड में होता है, और यहाँ पर कोई भी नेविगेशन बार जो आम स्मार्टफोन में होते हैं वो अवेलेबल नहीं है अगर आप जेस्चर्स ऑन करते हैं। लेकिन अगर आप इसमें बटन मोड रखते हैं यानी कि बटन जेस्चर्स, जिसके थ्रू आप बटन के थ्रू नेविगेट कर रहे हैं, तब जो है वो मेनू जो है ऊपर की साइड आ जाते हैं। तो इसको हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ सुधारा जा सकता है और आई होप आने वाले टाइम में ये चीज़ हो जाए। बाकी आपको इसके डिस्प्ले सेटिंग में डिफरेंट रेजोल्यूशन में रखने का एडिशनल ऑप्शन भी मिलता है, जिससे बैटरी कंजम्पशन फर्दर आप कम कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत मुझे डे टू डे यूसेज में नहीं पड़ी। ना जब बात आती है मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की, जहां पर ऑडियो भी आता है, तो यहां पर आपको इस फोन में थोड़ी सी कमी महसूस होगी, वो है इसका मोनो डाउन फायरिंग स्पीकर। यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलेगा, लेकिन जो मोनो स्पीकर है वो काफ़ी लाउड चला जाता है और काफ़ी क्लियर भी सुनाई देता है। लेकिन जो बात होती है एक स्टीरियो स्पीकर की ना, तो वो चीज़ आप इस फोन में मिस करोगे। एंड नाउ बात करते हैं इस फोन के वन ऑफ द बेस्ट पार्ट यानी कि कैमरा के बारे में। इस फोन में आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है 200 मेगापिक्सल का, साथ ही मिलता है एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और एक डेप्थ कैमरा। उसी के साथ फ्रंट में आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसका जो कैमरा कॉम्बिनेशन है ना, वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, और यहाँ पर कोई भी जो सस्ता अल्ट्रा वाइड कैमरा है ना उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो वाकई यूज़फुल है। ना सिर्फ आप अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स ले सकते हैं उससे, आपको मैक्रो शूट करना है तो आप वो भी कर पाएंगे इसके अल्ट्रा वाइड सेंसर से। इवन तो इसका जो प्राइमरी कैमरा है उसमें आपको OIS का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन हमारे इसका जो कैमरा सैंपल है उसमें हमें उस चीज़ की ज़्यादा कमी महसूस नहीं हुई है। यहाँ पर अगर आप डेलाइट शॉट्स पर ध्यान दें तो आप देख पाएंगे कि इसमें जो कलर्स है वो काफ़ी सही से ऑप्टिमाइज लगते हैं, काफी नेचुरल भी हैं शॉट्स, और HDR प्रोसेसिंग भी मुझे काफी सही लगी। चाहे आप दिन दहाड़े डेलाइट में पिक्चर्स लें या फिर अगर आप घर के अंदर पिक्चर्स लें, इन दोनों एनवायरनमेंट में आपको इसका कैमरा काफी रिलायबल लगेगा। इवन इसका जो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो भी अच्छी पिक्चर्स लेता है। इवन HDR शॉट्स भी आपको बढ़िया मिल जाते हैं इसके अल्ट्रा वाइड सेंसर से। इतना ही नहीं, इसका जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है उससे आप मैक्रो शॉट भी ले पाओगे 12 मेगापिक्सल तक का, जो कि आपको बहुत डिटेल्ड लगते हैं। इवन आपको इस फोन का जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी जबरदस्त लगेगा, बढ़िया डेप्थ ऑफ फील्ड और बढ़िया कॉन्ट्रास्ट के साथ। मेरे ख्याल से ये काफी फोन से बेटर काम करता हुआ नजर आता है इसके पोर्ट्रेट मोड में। बाकी चीजें तो कंपेयर करके ही पता लगेगी। बाकी अगर लो लाइट शॉट्स की बात करें तो इसका जो नाइट मोड है वो काफी सही से कलर्स एंड लाइट्स को मैनेज करता है। बस शर्त ये है कि अगर आप नाइट मोड पिक्चर्स लेते हैं तो वहां पर आपको अपने हाथ को काफी ज्यादा स्टेबल रखना पड़ेगा। कहीं कहीं जगह पर आपको थोड़ी सी OIS की कमी महसूस होती है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि भाई बिल्कुल ही पिक्चर बेकार आ जाए। यहाँ पर आपको बिना OIS के भी काफी अच्छी पिक्चर्स निकाल कर दे रहा है ये फोन। सेल्फी के मामले में तो ये फोन आपको Vivo V27 Pro की याद दिला देगा। डिटेल्स के मामले में ले लीजिए, चाहे आप HDR प्रोसेसिंग के मामले में ले लीजिए, बाकी ये स्किन टोन को थोड़ा ब्राइटन अप करने की कोशिश करता है, बट ओवरऑल आपको ये पिक्चर्स सही से निकाल कर देता है और रिलाय कर सकते हैं आप इसके सेल्फी कैमरा पे। इवन यहाँ पर आपको वाइड मोड भी मिल जाता है इनके सेल्फी कैमरा में, जैसे कि आपको सैमसंग वगैरह फोन में मिलता है, और वो भी काफी बढ़िया से आपके काम आएगा जब अगर आप ग्रुप सेल्फीज वगैरह लेते हैं तब। बाकी सेल्फी पोर्ट्रेट में भी आपको सही से काम करता हुआ नजर आएगा, और वहां पर भी जो आपको बैकग्राउंड ब्लर है वो भी काफी नेचुरल मिल जाता है। ना रही बात वीडियोस की, तो ये फोन आपको वीडियो परफॉर्मेंस में भी निराश नहीं करेगा। इसका जो बैक कैमरा है प्राइमरी कैमरा, उससे आप अप टू 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हैं, साथ ही 1080p 60 FPS में भी।
बेस्ट पार्ट ये है कि 4K 30fps में आप कैमरा स्विच भी कर पाएंगे, अल्ट्रा वाइड से प्राइमरी, प्राइमरी से अल्ट्रा वाइड, और अगर आप लेकिन 1080p 60fps में शूट करते हैं तब आप स्विच नहीं कर सकते इसके प्राइमरी से अल्ट्रा वाइड सेंसर में। इवन अगर आप फ्रंट कैमरा से भी पिक्चर्स यानी वीडियोस ले रहे हैं तो वहां पर आपको इसका जो फ्रंट कैमरा है वो भी 4K 30fps तक वीडियोस निकाल कर देता है। यहाँ ऑनर ने इसके वीडियो क्वालिटी में काफ़ी बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का इंप्लीमेंट किया है और वो चीज़ इसके वीडियो कैमरा में नजर आती है। बाकी एडिशनल आपको कैमरा फीचर्स बतेरे मिल जाते हैं, AI मोड मिलते हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंट फिल्टर्स वगैरह मिल जाएंगे, मल्टी वीडियो मोड भी आपको मिल जाएगा, साइमल्टेनियसली आप बैक और फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर पाओगे। तो ये सारे फीचर्स इस फोन में आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं। रही बात परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 7 जेन 1 एक्सेलरेटेड एडिशन मिलता है विद LPDDR4X रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज। अब ये प्रोसेसर जो है नॉर्मल डे टू डे यूसेज के लिए काफी ज्यादा सही है, चाहे आप मल्टीटास्किंग करिए, ऐप स्विचिंग करिए, इवन अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हो तो वो भी आप आराम से कर पाओगे लो टू मीडियम सेटिंग्स में। लेकिन अगर आप सीरियस गेमर हो तो इस फोन को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। यहाँ पर आपको इस प्राइस सेगमेंट में यानी कि प्राइस रेंज जो मैंने बताया इसमें आपको बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस वाले फ़ोन मिल जाते हैं, लेकिन जो डिस्प्ले जो कैमरा आपको मिलता है वो चीज़ आप मिस आउट कर लोगे। लेकिन अगर आप डे टू डे यूसेज के हिसाब से देखें तो इसका जो प्रोसेसर है वो अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर लेता है। आप एट अ टाइम इंस्टाग्राम यूज़ कर लीजिए, फेसबुक यूज़ कर लीजिए, व्हाट्सएप यूज़ कर लीजिए, ये सारे ऐप जो हैं रैम में रहते हैं और बढ़िया से चलते हैं, तो इन चीज़ों में आपको परेशानी नहीं आएगी। इवन अगर आप गेमिंग भी करते हैं, BGMI वगैरह आप लो टू मीडियम सेटिंग्स में खेल सकते हैं, अगर आपको 60fps में खेलना है तो वो भी आप खेल पाएंगे। नॉर्मल गेम्स वगैरह ये चला लेता है, लेकिन अगर आप थोड़ा हायर सेटिंग्स पर रखते हैं तो ये फ़ोन जो है थोड़ा स्लाइटली बैक की साइड से गर्म होने लगता है, और ये चीज़ मुझे इनके बेंचमार्किंग करते वक्त भी फील हुआ है। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में ये बहुत ज़्यादा थ्रॉटल नहीं करता है, लेकिन फ़ोन जो है बैक की साइड से स्लाइटली थोड़ा सा गर्म हो जाता है। और रही बात सॉफ्टवेयर अपडेट की तो कंपनी के मुताबिक 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको इस फोन में मिल जाएगा। अब ये आने वाला टाइम ही बताएगा एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर आपको जो मैच्योरिटी है ना एक OS में जो दिखता है वो चीज़ नज़र आती है। ऑनर का जो लॉन्चर है उसमें आपको कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, ट्रांसिशन करना है स्क्रीन के बिटवीन, एक जो पुराना पहले गो लॉन्चर आता था ना उसकी मुझे याद दिला दिया इसने, तो वो सारी चीज़ें आपको निफ्टी फीचर्स जो है वो मिल जाएगा। अगर आप नॉक करते हैं तो ये स्क्रीनशॉट ले लेता है, अगर 2 फिंगर से नॉक करते हैं तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर देगा, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। तो ये सारे निफ्टी फीचर्स आपको इसके OS में मिल जाते हैं और काफ़ी स्टेबल OS है इसका, एज सच मुझे कहीं लैग या फिर स्टटर्स नहीं नजर आए अगर आप ऐप के बिटवीन स्विच भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस फोन में आपको ऐप्स को फ्लोटिंग विंडो में रखना है वो चीज़ भी आप कर पाएंगे, लिंक टू विंडोज जैसे फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे इस फोन में, जैसे कि आप सीमलेसली कनेक्ट कर पाएंगे अपने फोन को अपने विंडोज PC से। ना रही बात इसमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की, जिसको कुछ लोग ब्लोटवेयर भी कहते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ इक्का दुक्का ऐप मिल जाएंगे। एज सच इंडियन वेरिएंट में वो क्या रहेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे वेरिएंट में जो है, मेरे पास जो है इंटरनेशनल वेरिएंट, उसमें कुछ ऐप्स हैं जैसे कि TikTok है, वो इंडियन वेरिएंट में शायद नहीं मिलेगा, तो उसको आप अनस्टॉल भी कर सकते हैं, उससे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिसको आप अनस्टॉल नहीं कर पाएंगे जो कि ऑनर के ही हैं, जैसे कि गेम सेंटर हो गया, ब्लोटवेयर नहीं कहेंगे उसको, और ऑनर हेल्थ हो गया, और साथ ही ऑनर ऐप मार्केट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको फोन के साथ ही मिलती है। और रही बात बैटरी की, तो इस फोन में आपको मिलते हैं 5000 mAh की बैटरी, साथ ही 66 वॉट्स ऑफ चार्जिंग सपोर्ट, तो इस फोन को आप 0 to 100% चार्ज कर सकते हैं लगभग 1-1.25 घंटे के आसपास 0 to 100%। ना ये फोन जो है एक दिन आराम से नॉर्मल यूसेज के हिसाब से निकाल लेगा, जो आपको 5000 mAh वाले फोन में मिलते हैं ना एवरेज बैटरी बैकअप, कुछ वैसा ही आपको यहाँ पर मिलेगा, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मुझे बैटरी बैकअप मिली। और जो ऑप्टिमाइजेशन है आप वो भी आपको ठीक ठाक मिलती है, बहुत उमदा लेवल की जो क्या होते हैं ना ऑप्टिमाइजेशन, वो चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी, यानी कि एक दिन देखो आराम से ये फोन निकाल लेगा। एंड नाउ फाइनली बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। ये फोन देखो सभी चेकबॉक्स जो है वो उसको टिक करता है, बस जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना उसमें थोड़ा सा पीछे हटता है, उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले डिज़ाइन अलग लेवल का आपको मिलेगा, साथ ही जो कैमरा है वो भी आपको ज़बरदस्त क्वालिटी का मिल जाता है। हाँ, स्टीरियो स्पीकर अगर आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है तो हो सकता है आपके लिए एक डील ब्रेकर हो, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये फ़ोन आपको बाकी मामलों में निराश करने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगा अगर ये फ़ोन आपको लगभग 30,000 के अराउंड मिल रहा है, डिस्काउंट लगा अगर 30-32,000 के आसपास ही मिल रहा है तो आप इसको ले सकते हैं, बाकी ये फ़ोन सर्वगुण संपन्न है। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनर 90 आपके लिए कैसा है, और कुछ पूछना हो इस फोन के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन आप पूछ सकते हैं, कुछ कंपैरिजन चाहिए किसके साथ करना है उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं, हम जरूर लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।